जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मंगल ग्रह हो या शनि ग्रह हो या बृहस्पति ग्रह हो, इनमें थोड़ी भी उथल पुथल आने से जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, कोई काम बन नहीं रहा होता। मात्र एक गुण से हम इन ग्रहों को किस प्रकार शांत कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी विशेष पूरी कर सकते हैं, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन करते रहिए, करते रहने में कोई बुराई नहीं है, फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, किसी को पहले किसी को बाद में सबको मिलेगा। आपके लिए इतने आसान और सरल और सटीक उपाय लाई मात्र गुड़ से। किस प्रकार आप गुड़ से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह को शांत कर सकते हैं, उनमें आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। एक महा उपाय जो बहुत समय से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होकर दे रही हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा, थोड़ा सा पीला कपड़ा लो, उसमें 7 हल्दी की गांठ, 1 गुड़ की डली और 1 रुपए का सिक्का। पीला कपड़ा, 7 हल्दी की गांठ, 1 गुड़ की डली और 1 रुपए का सिक्का उसमें बांधो, अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में रखकर, सीधा हाथ ऊपर रखकर आप उस पर अपनी विश बोलो। जो भी आपके काम रुक रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप बोलो और उसके बाद उसे रेलवे लाइन पर फेंकाओ। ये आपको गुरुवार के दिन करना है, किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करके गुरुवार के दिन करो। 1 गुरुवार, 2, 5, 7, जितने गुरुवार कर सकते हो करो, इसमें कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी इच्छाएं जब तक पूरी ना हो जाए तब तक कर लो, हो ही जाएंगी जल्दी से जल्दी। ये तो था गुरुवार का उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि आपको नौकरी में बाधा आ रही है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, आपका लेटर आते आते रुक जाता है, दूसरे का नंबर आ गया, आपका लेटर रुक गया। नौकरी से संबंधित बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, आज एक महा उपाय बता देती हूँ। 800 ग्राम आपको गेहूं लेना है और 800 ग्राम आपको गुड़ लेना है। गेहूं साबुत वीट और 800 ग्राम गुड़, ये दोनों चीज आप ले लीजिए और रविवार के दिन इन दोनों चीजों को लेकर प्रातःकाल आप अपने सिर के ऊपर से, आप खुद करना चाहे खुद कर लीजिए, आपकी मदर करना चाहे मदर कर सकती हैं, 7 टाइम क्लॉकवाइज, 7 बार क्लॉकवाइज उतार कर उसको मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है, किसी को दान दे दीजिए, पंडित ना ले, किसी गरीब को दे दीजिए, पर उसी दिन दे दीजिए, रविवार के दिन, जिस समय भी आपको टाइम मिले उस दिन दे दीजिए। रविवार के दिन ये उपाय करके तो देखिए, आपके नौकरी में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, बार बार छूट रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा या लग ही नहीं रही या गवर्नमेंट के लिए तैयारी करने नहीं हो पा रहा, वो सारा काम बनता चला जाएगा। तीसरा महा उपाय और एक चीज ये बताती हूँ, यदि आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रही है, मुकदमा चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, भाई बहनों की नहीं बन रही, चाचा ताऊ की नहीं बन रही, परिवार में कोई भी विवाद है, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा हो, आपको मंगल और शनिवार में, मंगलवार या आपको शनिवार, कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको 1.25 किलो गुड़ लेना है। 1.25 किलो गुड़ लेकर कहीं भी जमीन में उसको गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, गड्ढा खोद के और उस गुड़ को दबा दीजिए और गड्ढे को भर दीजिए, सारे विवाद समाप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा, डेट पे डेट लग रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, आएगा और आपके फेवर में आएगा। जिनसे भी मुकदमा चल रहा हो, जिनके बीच में विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, परिवार को मिलाना चाहते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप मंगलवार में ये उपाय कर रहे हैं तो 5-7 मंगलवार करिए, अगर आपने शनिवार में ये उपाय करना है तो 5-7 शनिवार करिए। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार मंगल में करा, एक बार शनि में करा, नहीं, या तो मंगल या तो शनि। ये तीसरा उपाय है जो मैंने कोर्ट कचहरी के लिए, विवाद के लिए बताया, ये मंगल या शनिवार में किसी भी दिन आपको करना है, और जो मैंने नौकरी वाला बताया वो रविवार को करना है, और जो मैंने सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया वो वीरवार को करना है। वीडियो में कोई शंका हो तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोशिश यही करती हूँ कि वीडियो में ही सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा चीज़ें पूछनी ना पड़े, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो बताने की पूरी कोशिश करते हैं, कभी कभी लेट भी हो सकते हैं, तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग।
तो ये वीडियो मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।